राजधानी दिल्ली में तेज हवा चल रही है, लेकिन रविवार की सुबह जब लोग उठे तो उन्हें कुछ मुश्किल हुई, क्योंकि जो ठंड है वो बढ़ी हुई दिखाई दी। और यही वजह है कि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि रविवार को 8.3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है और इस सीजन के एवरेज का 1 डिग्री नीचे है वो रिकॉर्ड किया गया है, और शनिवार को यही रिकॉर्ड किया था 8.5 डिग्री सेल्सियस। और आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि अक्षरधाम के आसपास किस तरह से धूप खिली हुई है, लेकिन कई इलाकों में आपको अभी भी जो है साफ तौर पर दिखाई देगा कि कोहरे का कहर लगातार जारी है। तेज़ हवाओं के चलने से हवा की क्वालिटी इस वक्त बहुत ख़राब है, AQI तकरीबन 300 के ऊपर है शादीपुर और साथ ही साथ मुंडका जैसे अलग अलग इंडस्ट्रियल इलाकों में। और मौसम विभाग का यह भी कहना है 11 दिसंबर के करीब एक पश्चिमी विक्षोभ आने को है और उसके बाद से दिल्ली के मौसम में कुछ तब्दीली दिखाई देगी। और दूसरी सबसे खास बात यही है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में हम हैं, लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसी तरह से जो तापमान है वो लगातार कम होता जाएगा, और इस कम होते तापमान में रजाई और कंबल निकालना पड़ेगा और साफ तौर पर जो हवा की क्वालिटी है उस पर भी असर पड़ेगा। यानी सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड होने के बाद अब दिल्ली में एक दस्तक है कि कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। दूसरी तरफ अगर आपको बताऊं कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी जो बर्फबारी और दूसरे तमाम वातावरण का लगातार जो परिवर्तन हो रहा है उससे राजधानी दिल्ली में जो ठंड का असर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अजय कुमार सिन्हा के साथ राम किंकर सिंह, अक्षरधाम आज तक।